योगीराज में फिर वही देखने को मिला। तहसील कैसरगंज क्षेत्र नौगैया तथा मंगल मेला जाने वाली सड़क गड्ढा युक्त। इस संबंध में जब मीडिया कर्मी सुनील कुमार गुप्ता ने नौगैया क्षेत्र का जायजा लिया तो सैकड़ों ग्रामीण पहुँच कर प्रदर्शन किया तथा अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि तहसील कैसरगंज क्षेत्र सपा विधायक आनंद यादव, सपा का चेयरमैन यूसुफ अली उर्फ सोनू है, उसके बावजूद सड़कों की हालत गड्ढा युक्त देखने को मिल रही है, जबकि योगी सरकार गड्ढा मुक्त का दावा कर रही है। यही नहीं, इससे पहले भी कई बार खबरों को प्रकाशित भी किया गया, उसके बावजूद जिले के जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं देते, जबकि इस रास्ते से सैकड़ों बच्चे नेहरू स्कूल कैसरगंज में पढ़ने जाते हैं, उसके बावजूद कई वर्षों से सड़कें गड्ढा युक्त देखने को मिल रही हैं। अब देखना यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद जिले के जिम्मेदार अधिकारी ध्यान देते हैं या ऐसे ही फिर ठंडी टोकरी में डाल देते हैं। अब सुनिए ग्रामीणों की जुबानी। संवाददाता सुनील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मंगल। कहाँ के रहने वाले? नौगैया गोडियनपुर। समस्या क्या है? समस्या क्या है, रोड है इसी का कारण है तो जब गाड़ी लेके जाते हैं सवारी बैठती है, इधर उधर गाड़ी पलटती है, रोड पे पानी भरा हुआ है। रोड पे पानी, पूरा पानी भरा हुआ है। विधायक कौन है? विधायक कहा जाते हैं, ये आनंद बाबू है। बाबू है की यादव है? यादव, हाँ आनंद यादव है विधायक है। हाँ बाबू कहा था, लेकिन आनंद यादव। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है कहा जाते सहयोग है, उनके लड़का सहयोग है। हाँ सहयोग सोनू है, सोनू साहेब के लिखा सोनू। हाँ सोनू है, 3 साल से रोड खराब है। हाँ 3 साल के ऊपर हो सकते हैं। योगी सरकार में ध्यान नहीं दिया? नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। हाँ तो क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं हमारी रोड अच्छी सी बन जाए, बस हम लोग चले गए, हम लोग का सुविधा हो जाए बस। क्या नाम है पूरा? पूरा नाम हमारा मंगल है। कहाँ रहने वाले हैं? नौगैया गोडियनपुर। उन्होंने प्रदर्शन किया, इससे भी कुछ जानकारी लेना है, क्या समस्या है? वैसे अपना नाम परिचय बताएं। मेरा नाम दिव्यांशु गुप्ता है, मैं शाहनपुरवा का निवासी हूँ। और समस्या क्या है? बस समस्या यही है कि ये रास्ता जो हमारे पीछे दिख रहा है, इसकी स्थिति अत्यंत जर्जर है। कितने वर्षों से? लगभग 2.5 से 3 साल हो चुके हैं, अभी इसमें कोई भी सुधार नहीं हो पाया है। विधायक कौन है यहाँ पे? यहाँ पे आनंद बाबू हैं हमारे। किस पार्टी से विधायक? वो सपा पार्टी। अभी तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया? नहीं कुछ नहीं दिया। चेयरमैन कौन है यहाँ पे? यहाँ पे यूसुफ अली सर है, ये भी चेयरमैन है ना, ये भी सपा से ही है। सपा से है, उन्होंने अभी तक ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं आया इसके अंदर अभी तक, वैसी की वैसी स्थिति बनी हुई। वैसे आपने नाम परिचय बताया, बोलेंगे आप? मेरा नाम पार्थ गुप्ता, और हम बताना चाह रहे हैं यहाँ से कैसरगंज से मंगर मेला तक रोड आने में जर्जर है, और स्कूल डेली छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और गिर जाते हैं, और यहाँ पर ये इसके विधायक हैं आनंद यादव और यूसुफ अली सोनू चेयरमैन, इन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया। कितने वर्षों से? ये 3 साल से है। 3 साल से पड़ा हुआ है। यहाँ ना जिला अधिकारी ध्यान देते हैं, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्थ गुप्ता है जी। बस मेरा नाम पता। मेरा नाम सलमान अंसारी। क्या समस्या? वार्ड नंबर 7। इसकी रोड की स्थिति बहुत खराब है, और ये मतलब बहुत सालों से मतलब इसे चल रहा है, जो कोई ध्यान नहीं दे रहा इस पर। यहाँ का विधायक कौन है? विधायक आनंद बाबू। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन यूसुफ अली। अभी तक जो है ये रोड की मरम्मत नहीं हुई है। मरम्मत नहीं हुई, कोई ध्यान नहीं दे रहा, हालांकि दिक्कत सबको है, सबको आने जाने में सबको दिक्कत है, कैसरगंज से लेके मंगन मेला तक सबको दिक्कत है, सबको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और बहुत जरूरी है कि रोड बन जाए। हम लोग की पूरी कोशिश है कि रोड बन जाए, ठीक है ना? लेकिन अभी तक ना विधायक ने ध्यान दिया, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब अपना देख रहे हैं बस, रोड का विकास नहीं हो रहा है, गाँव का विकास नहीं हो रहा है। हाँ गांव में साफ सफाई जो मतलब देखा जाए तो वार्ड नंबर 5 में हो रही, और बाकी वार्ड नंबर 7-6 से लेके किधर भी वो साफ सफाई नहीं हो रही, रोड को कोई नहीं दे रहा, कोई कुछ ध्यान नहीं दे रहा, मतलब बोले तो ऐसे सब सब हमेशा चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सलमान। कहाँ निवासी है? वार्ड नंबर 6 नौगैया। देखिए सलमान ने बताया है, वार्ड नंबर 6 नौगैया ने बताया है कि यहाँ पे जो है रोड कई वर्षों से जर्जर पड़ी हुई है, यहाँ पे ना सपा विधायक ध्यान देते हैं, ना जो है चेयरमैन ध्यान देते हैं जो मौजूदा है। सुनील कुमार गुप्ता कैसे बह रहे हैं।